नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि ग्रो में आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यदि आपने अभी तक ग्रो के साथ अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करना और यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आईपीओ जो ओपन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम साइन डीएलएम आईपीओ को अप्लाई करने वाले हैं, तो अप्लाई वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आपको आईपीओ की डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन रेट चेक करना है, क्यूआईबी कैटेगरी में कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, एनआईए कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी में। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप रिटेल कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 33 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ पर आप आईपीओ की स्ट्रेंथ रिस्क दोनों चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आईपीओ के फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। तो ये आईपीओ अभी 33 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है रिटेल कैटेगरी में, यानी 33 जनों में से एक को मिलेगा। ये आगे और भी बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई फॉर आईपीओ वाले बटन पर कर देना है क्लिक। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक लोट के अंदर 56 शेयर मिलना है और बिट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 265 रुपए का, यानी एक शेयर आपको 265 रुपए का मिल रहा है। यहाँ पर हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, नहीं तो आपको आईपीओ नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें तो यहाँ पर रेगुलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको जो टोटल अमाउंट एक लोट में पे करना पड़ेगा वो 14,840। यदि आप दो लोट से अप्लाई करना चाहते हैं तो 8-bit करके यहाँ पर आप दो लोट से भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि 3 लोट से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 8-bit कर देना है, तो यहाँ पर आप 3-3 bit लगा देंगे, यानी आपके जो चांसेस है वो 3-3 गुना बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 bid लगा रहे हैं वो भी अलग अलग, यानी 3 lot से अप्लाई कर रहे हैं वो भी अलग अलग। तो यहाँ पर हमारे टोटल शेयर हो चुके हैं 168 और टोटल अमाउंट हो चुका है 44,500 bid, और यहाँ पर तीनों bid में हमने कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई किया है, और आपको हमेशा तीनों कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। यदि आप एक लोट से अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी है, तो यहाँ पर हम फ़ोनपे की UPI ID डालने वाले हैं। यदि आप गूगल पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, भीम UPI यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पर उसकी आपको UPI ID डाल देनी है। तो यहाँ पर हम फ़ोनपे की UPI ID डाल देते हैं। फ़ोनपे की UPI ID आपका नंबर होता है और @YBL होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाला बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल पे के फ्रंट में ही आपको आपकी UPI ID देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप इसे कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल बिट्स है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप यदि चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है और डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो आईपीओ रिक्वेस्ट है वो फ़ोनपे पर आएगा कुछ देर बाद। यदि आप गूगल पे से अप्लाई करेंगे तो गूगल पे पे कैसे आएगा, फ़ोनपे पे कैसे आएगा, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताने वाला हूं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गूगल पे की। तो गूगल पे को आपको ओपन कर लेना, प्रोफाइल वाले आइकॉन पर जाना, ऑटो पे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको पेंडिंग में जो अमाउंट है उसको ऑथराइज करके आपको अमाउंट पे कर देना है। अब बात करेंगे फ़ोनपे की। तो हमने फ़ोनपे के थ्रू अप्लाई किया तो हमारा को कुछ देर बाद फ़ोनपे की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते 15-20 मिनट बाद फ़ोनपे की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया अमाउंट पे करने के लिए। हमारा टोटल अमाउंट है 44,520, इसे हम पे कर देंगे। तो पे वाले बटन पे कर देंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पिन डाल देनी है और इस अमाउंट को पे कर देना है। और यदि आपको फ़ोनपे की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है वो भी स्टेप आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि नहीं आता तो आपको प्रोफाइल वाले आइकॉन पे जाना है। आइकॉन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्लाइड करना है और ऑटो पे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। यदि पेंडिंग शो करेगा तो यहाँ से इसे आपको अप्रूव कर देना है। हमने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया तो हमारा जो अमाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, यानी यह हमारे अकाउंट में रहेगा लेकिन हम इसे निकाल नहीं पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अलॉटमेंट डेट आएगी। यदि आपको आईपीओ लग जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर शो करने लग जाएंगे और आपका जो अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, और यदि नहीं लगता है तो ये अमाउंट आपके वापस से बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।